हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. माई नेम इज अपूर्वा. एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माई चैनल. मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल के बारे में. अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और मैनिफेस्टेशन स्टोरी के बारे में. ये जो स्टोरी है मुझे भेजी गई है वाया ईमेल. एंड एक चीज़ मैं आप बोलना चाहती हूँ, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हो, बिगनर हो, ट्रस्ट इशूज़ हैं, बिलीफ इशूज़ हैं, तो आप डेली एक अपना रूटीन बनाएं कि आपको डेली एक सक्सेस स्टोरी सुननी ही सुननी है. सक्सेस स्टोरीज जो होती हैं बहुत ही पावरफुल होती हैं एंड ये हमें बहुत मोटिवेट करती हैं, हमारी खुद की मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती हैं. मैं खुद उनमें से एक हूँ जिसे सक्सेस स्टोरीज ने बहुत हेल्प किया पर्सनली भी. उस टाइम पे इतनी वीडियोस नहीं हुआ करती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ऑन इंटरनेट, ऑन यूट्यूब. मैं पर्सनली ब्लॉग पोस्ट को पढ़ा करती थी एंड उसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है. ये जो स्टोरीज होती है मैं मोटिवेट तो करती ही करती है, साथ में हमारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने में हेल्प करती है, साथ ही हमारे ट्रस्ट को स्ट्रांग करती है. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ. एंड एक और चीज, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते हो, मैं भी पर्सनली करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही एक्यूरेट विद्या है, नो डाउट. एंड मैं पर्सनली खुद भी मानती हूँ, ठीक है. बट एक चीज आपको समझनी चाहिए, इंस्टेड उस चीज से डरने की बजाय आप उस पर रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ये जो स्टोरी है ये खुद रिलेटेड है एस्ट्रोलॉजी से. एंड काफी ऐसे लोग हैं जो डरा देते हैं काफी लोगों को कि नहीं ऐसा हो जाएगा आपके साथ में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे दशा दिख रही है. आई टोटली एग्री एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट बिकॉज मैं खुद भी उस फील्ड में हूँ. बट एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, हर एक चीज की रेमेडी होती है, हर एक चीज को सुधारने का सॉल्यूशन होता है भाई. ये आप बिल्कुल ऐसे समझ के मत बैठो कि ये चीज बिल्कुल कभी हो ही नहीं सकती है. इसकी रेमेडीज इसीलिए ही निकाली गई हैं जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाएं. ठीक है, रेमेडीज आपने बहुत मल्टीपल टाइप की देखी होंगी. आप स्पेल वर्क उसके लिए कर सकते हो, ठीक है. आप यू नो कोई रिंग पहन सकते हो, आप यू नो कोई नक पहन सकते हो. ये जो चीजें हैं ये रेमेडी का ही काम करती हैं. ठीक है, आपने सुना होगा कि आप तांबे का कड़ा पहन लो, चांदी का कड़ा पहन लो, वाटर फाउंटेन, वास्तु, ये सब चीजें क्या है जो प्रॉब्लम है उसे करेक्ट करने में, उसको सॉल्व करने में, उसको हील करने में ये हेल्प करती हैं. अब अगर बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज अ रेमेडी यूज किया जा सकता है? आंसर है बिल्कुल यस. पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब चीजें कर सकता है तो एस्ट्रोलॉजी में जो सारी बातें हैं क्या वो बेकार है, क्या वो झूठ है. तो विद टाइम आई अंडरस्टूड कि ऐसा नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन एक रेमेडी की तरह काम करता है. एस्ट्रोलॉजी आपको यू नो बता सकती है क्या चीजें हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, बट हम उसकी रेमेडी करके चीजों को क्योर कर सकते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ उस तरीके से ही काम करता है. ठीक है, बहुत सी रेमेडीज हैं, बहुत सी चीजें हैं एंड लाखों करोड़ों रेमेडीज हैं. ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आप इसे यूज कर सकते हो. नॉर्मल आप यू नो वैदिक रेमेडीज यूज कर सकते हो, आप धातु पहन के ठीक कर सकते हो, आप कोई रत्न पहन के ठीक कर सकते हो, आप मंत्र चैंटिंग से ठीक कर सकते हो, आप यंत्रास से ठीक कर सकते हो. अगर हम यू नो थोड़ा डिफरेंट तरीके से जाएं, हम स्पेल वर्क कर सकते हैं, कैंडल स्पेल कर लिया, कोई भी ऐसी चीज कर ली, ये सारी की सारी रेमेडीज में ही आती हैं. तो इतना डरने की जरूरत नहीं है. अगर आप नॉर्मल लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई करोगे आपको धीरे धीरे चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, अपनी लाइफ में चेंज होती हुई. ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में. इसको रीड करने वाली हूँ तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा. मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मेरी मैरिज पक्की हुई है. मेरी मदर को एक पंडित ने बोला था कि मेरी शादी का योग निकल गया है एंड अब शादी होना मुश्किल है. मैं सच में डर गई थी क्योंकि मैं लव मैरिज में इंटरेस्टेड थी. एंड उसके जस्ट बाद ही मेरा बॉयफ्रेंड दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गया था. काफी फाइट्स होना स्टार्ट हो गई थी एंड सब टॉक्सिक हो गया था. मेरे माइंड में फियर था कि मेरा रिलेशन टूट जाएगा. देन एक दिन रैंडमली आई सॉ योर वीडियो एंड यू सेड कि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो हमारे थॉट्स की वजह से होता है. मैं इतनी टॉक्सिक हो गई थी रिलेशनशिप को लेके कि मुझे सिर्फ नेगेटिव ही दिख रहा था. बाद में आई रियलाइज्ड कि मैं कितना डरी हुई थी कि आई वॉज मैनिफेस्टिंग इट. मैंने पंडित की बात को इग्नोर करा एंड मिरर में देख के मेडिटेशन करा. ये मैं डेली करती थी, साथ में मैं खुद को बोलती थी कि आई एम इन अ हैप्पी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद माई बॉयफ्रेंड. एंड कुछ डेज में टॉक्सिक चीज खत्म हो गई हमारे बीच. मिरर मेडिटेशन में मैं पहले खुद को स्टेयर करती थी, आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बोलती थी कि आई एम मिसेस छावनी अतुल सिंह एंड बोलती थी कि आई एम मैरिड टू हिम. मैंने मिरर टेक्निक को सिर्फ 30 डेज किया एंड लेट गो कर दिया. एंड इस रक्षाबंधन वो अपने घर आया, उसने अपनी फैमिली में बात कर ली. मुझे लगा था कि प्रॉब्लम आएगी फैमिली में एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब स्मूथली हो गया. एंड 2 डेज पहले ही मेरा रोका भी हुआ है, अब नवंबर में मैरिज है. ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं खुद समझ नहीं पाई. उसके पेरेंट्स जल्दी शादी चाहते हैं, सो फाइनली इट्स हैपनिंग एंड आई एम सो हैप्पी, फीलिंग ब्लेस्ड एंड आई डिड दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन.
Thank you for introducing me to this knowledge. Thank you. So first of all, congratulations and thank you so much इसको share करने के लिए. काफ़ी लोगों को ये help करने वाली है. And जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बोला है कि इनको ये बोला गया था कि इनकी शादी नहीं हो पाएगी, ठीक है. I totally agree, definitely ऐसा योग होगा. मैं उस चीज़ को deny नहीं कर रही हूँ. But law of attraction में इतनी power है कि आपके stars को, आपके thoughts में in short इतनी power है कि आप अपनी life को, अपनी destiny को change कर सकते हो, ठीक है. हर एक चीज़ energy है. काफ़ी लोग you know remedies आपको देते हैं कि आप ये काम करो, आप daily इसको you know हर मंडे जाओ, ये करो, वो करो. ये भी रेमेडीज ही होती हैं एस्ट्रोलॉजी की, राइट. तो अगर आप नॉर्मल लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करते हो तो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है. इट्स नॉट मैंडेटरी आप एक ही टाइप की रेमेडी फॉलो करो. इट्स अप टू यू. बेसिकली आपको जो समझ आता है आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि चीजों के सॉल्यूशन नहीं होते हैं. दैट्स व्हाई रेमेडीज भी प्रोवाइडेड होती हैं. अगर एग्जांपल के तौर पर लिया जाए, आपने लाल किताब की रेमेडीज के बारे में भी डेफिनेटली सुना होगा, ठीक है. प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है. तो अगर आप नॉर्मल लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज करते हो तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं. अब बात कर लेते हैं इनकी टेक्निक के बारे में. मिरर मेडिटेशन टेक्निक करिए, राइट. मिरर मेडिटेशन टेक्निक कैसे की जाती है? बहुत सिंपल सी है. आपने एक मिरर लेना है. अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है अकेले रहना, आप वॉशरूम में ये काम कर सकते हो जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे. सबसे पहली चीज़ आपने अपने माइंड को बिल्कुल शांत करना है, बिल्कुल काम करना है, ठीक है. और अपने माइंड में कोई भी ऐसी बात सोचनी है जिसे सोच के आप बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव फील करें. कोई भी चीज़ आपके लाइफ में हुई है पास्ट में जिसने आपको बहुत हैप्पीनेस दी थी लाइफ में, आप उसके बारे में सोचें. इससे आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, राइट. इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपनी आंखों में आंखें डालनी है. इन शॉर्ट आपने खुद के साथ एक आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाना है, ठीक है. आपने अपने आपको देखना है, एक आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाना है. एंड बिना ब्लिंक करे, बिना पल के झपकाए आपने अपने आपको स्टेयर करते रहना है. उसके बाद आप हल्का सा ब्लिंक कर सकते हो इफ यू वांट टू, नो प्रॉब्लम. अपने आपको पॉजिटिव एफर्मेशन बोलने स्टार्ट कर देनी है. यू आर सो अमेजिंग, यू आर सो ब्यूटीफुल. जो भी आपके अंदर आता है अच्छी तरीके से, आपको जो अच्छा फील करा है, बेटर फील करा है अपने बारे में, अपने आपको बोलना स्टार्ट कर दें आई टू आई कॉन्टैक्ट बना के, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जब आप यू नो बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे कुछ मिनट्स बाद ऐसा बोलने के, आपने कंटिन्यूसली सब चीज़ें बोलनी है. जब आप सेटिस्फाइड फील करोगे आपने रुकना है. एंड जो भी आपकी विश के लिए आप इसे कर रहे हो, मैरिज की विश है इनकी तरह, कोई भी है, आपने उसकी एफर्मेशन लेनी. सपोज आप यू नो मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो. मेरे माइंड में एक एफर्मेशन बहुत पॉपुलर है, आई एम अ मनी मैग्नेट 1176. दिस इज व्हाट आई यूज लाइक अ लॉट, ठीक है, एंड डेफिनेटली वर्क्स. आपने क्या करना है, आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना है. ऑब्वियसली आपने अपने आप को ये एफर्मेशन बोलनी स्टार्ट कर देनी है, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट. एक्साइटमेंट के साथ खुश होकर अपने आप को ये बातें बोलनी है, बिल्कुल अपने आप को झोंक देना है. एंड आप मेक श्योर अकेले हो, ये किसी के सामने नहीं करना है. आप अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इस प्रोसेस में लगाएं. आई टू आई कॉन्टैक्ट बना के आपने सिंपली एफर्मेशन बनानी है. जब आप अपना आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाएंगे, कहीं और फोकस नहीं करेंगे, आप एक मेडिटेटिव टाइप स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज वॉट वी कॉल मिरर मेडिटेशन. इसके डिफरेंट तरीके डेफिनेटली है, अवेलेबल है, बट आज हम इस वाले सिंपल मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है. इसके बाद जब आप बहुत सफिशियंट फील करेंगे इस प्रोसेस में, आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है एंड इस प्रोसेस को क्लोज कर लेना है. अपने अपने वॉशरूम से बाहर आ जाना है, या फिर जो भी आपका मिरर है उसको ढक के रख देना है, जो भी आपके पास है आप इन शॉर्ट कर सकते हो. बट मेक श्योर काफ़ी बड़ा मिरर हो जिसके सामने आप अच्छे से इस काम को कर सको, ठीक है. अभी एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, आप कम से कम इसको 30 डेज तक फॉलो करो, उसके फिर लेट गो कर दो. अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट है, कुछ भी ऐसी चीज है जो नेगेटिव है, आपको नेगेटिव मैनिफेस्ट करके दे रही है, आप उस केस में भी इस मेडिटेशन कर सकते हो. या आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेगी. मिरर्स बहुत टाइम से यूज किए जाते हैं मैजिकल पावर्स के लिए, स्पेल वर्क के लिए, रिचुअल्स के लिए. मिरर्स को पोर्टल भी कहा जाता है, ठीक है. तो मिरर्स बहुत ही पावरफुल है. मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक्चुअली में काम करती है. तो डेफिनेटली आप लोग इसको ट्राई करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन इसे शेयर करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए. दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू सो मच इसे शेयर करने के लिए. सो यप, आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय. थैंक यू सो मच.